तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्कूल ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज बनाने जा रहे हैं प्रमोद भैया चाय, और हमारे पास जो है आज लाइट ही नहीं है तो लाइट्स आ चुकी है। लाइट्स बोलो, लाइट आ चुकी है। आज हम लेकर आए हैं, प्रमोद भैया लेकर आए हैं समोसे और ब्रेड पकौड़ा। अब हम इसमें ओवन में गर्म करने जा रहे हैं और इसमें गर्म करके खाएंगे मस्ती से, ठीक है। इसमें ब्रेड पकौड़ा है, प्याज कचौरी है और समोसे गए। ये रहे समोसे और हम लाए हैं। तो हम बर्तन को अवॉइड करेंगे, बर्तन लोगों को। ये देखिए, ये है खमन ढोकला, तो आज हम सब गटक जाएंगे। तो अभी मैंने आज क्या बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज महाराणा प्रताप जी की फोटो जो है वो पूरी कर दी है, देख सकते हैं आप, शायद आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। दोस्तों, एक नई चीज की है ये, प्रमोद भैया ने इसके जो मेरी टेबल है इसके ऊपर जो है वो पूरा कवर कर दिया है इसको। ये ओनली 10 रुपीज का पेपर है, उसको लगा दिया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब लोग हम लोग देखते हैं, खाने का टाइम हो चुका है, तो प्रमोद भैया ने आज क्या बना है, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, प्रमोद भैया पापड़ सेकते हुए। और पापड़ किस लिए सेक रहे पता है? क्योंकि आज मारे पापड़ की सब्जी बने ली। बा पापड़ बढ़िया आज सब्जी, लेकिन ये सब्जी के लिए नहीं है, तो ये खाने के लिए। अब हमारा मन किया खाने का, तो पहले एक पापड़ खाएंगे फिर सब्जी बनाएंगे। दोस्तों, प्रमोद भैया ने ये दही डाला है, अब आपको बताएंगे दही में क्या मिक्स किया। अब बोलो के मसाले दही में शौक लगाने के लिए बनाए, तो सूखे मसाले दही के अंदर ही डालने होते। और सूखे मसाले मतलब नमक मिर्ची धनिया जो भी डालते हैं, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दही का छोक लगाएंगे, मतलब दही का सीधा छोक लगाते हैं, ठीक। मसाले वो आपको दही को सीधा डालते हैं, दही फट जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप ठीक है, अब आपको दिखा दे चौक लगा दे। प्रमोद भैया जो लहसुन के साथ कुश्ती लड़ते हैं, कभी आटे के साथ कभी लहसुन के साथ। ये देखो, दिखाओ यार आपने जो है घरेलू, देखो इसे कहते हैं जुगाड़। सिलवट्टे की जगह रोटी बनाने वाला नहीं होता उस पे ही है, क्योंकि अभी हमारे काम का नियम इस पर रोटी नहीं बनाते, इसलिए मतलब ही नहीं। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम सिलवट्टा ला नहीं सकते, ऐसा यू है कि हम भूल जाते हैं। आलसी नहीं, हमारे पास 17-60 काम है, इसलिए भूल जाते कि सिलवट्टा भी लाना। तो दोस्तों, प्रमोद भैया ने डाल दिया है पहले जीरा, फिर डाल दिया प्याज मिर्ची, ठीक है। तो दोस्तों, अब प्रमोद भैया डालने वाले हैं दही, और इसकी कैसे बनाते हैं पापड़ की सब्जी का मेन चीज यही है ना। अब ये दही में सारे मसाले डाल दिए हैं, अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा। हाँ, ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी मैं दूर नहीं कर सकता, फेस नहीं दिख सकता, दोस्तों देखिए इसको चलाते रहना पड़ेगा, ऐसे हाथ से चलाना पड़ेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं, ऐसे दही से चलाना, बहुत मस्त सब्जी बनती है। अगर आपने खाई होगी, घर में बनाई होगी या लेकर आए होंगे, तो ऐसा मस्त। साइड में हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो देख रहे होंगे वो सब्जी का झोल बनने के लिए। ये देखिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। ये हमारी कैलरी यहाँ बर्न होती है, फिर हम इसको खाते हैं, फिर कैलरी बढ़ा लेते हैं। क्या कहना चाहते हो आप इसमें? तो दोस्तों, अब बनने वाली है सब्जी। अभी टाइम लगेगा या बनेगी? 5 मिनट और लगेगा, जितने बन जाएगी। पापड़ की सब्जी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस काटने पीटने में जो लगता है, बस छोड़ देगा। दही फटा नहीं है देखिए दोस्तों। हाँ, वरना क्या होता है, वरना दही फट जाता है। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, मसाला धीरे धीरे पकने लग गया है अब, लेकिन इसको हाथ से चलाना बहुत पड़ता है, तो बहुत हाथ में दर्द होता है दोस्तों। ऐसा लगातार चलाते रहना पड़ता है, ताकि दही जो है बिल्कुल भी फटे नहीं, और बहुत ही टेस्टी जो है मसाला बन जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको धीरे करते हैं। बिल्कुल, हमारे गैस पे ध्यान ना दे कि ये साफ नहीं है, इसे स्किप करे प्लीज, इसकी तरफ ध्यान ना दीजिएगा। क्या अभी लड़कों का तो ऐसे ही होगा, ये साफ है हमारे हिसाब से, ये बहुत साफ है, ये आपको सबसे साफ है, ये सबसे साफ है। तो हम इसमें पानी डाल चुके हैं, ये डाल चुके हो, डाल रहे हो, डाल चुके नहीं है। अब इसमें हम छोड़ देंगे पापड़। तो दोस्तों, पापड़ की सब्जी में प्रमोद भैया पापड़ डालते हैं, कितनी अजीब बात कही है, पापड़ की सब्जी में पापड़, प्रमोद भैया पापड़ डालते हैं। अब इसको कुछ नहीं है, बस आपको इसको 5 मिनट छोड़ना है, ये सब्जी बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि मस्त हमारी पापड़ की सब्जी बन गई है। थोड़ा सा हमने धनिया इसको डाल दिया इसमें। आज का व्लॉग बस यहीं तक था, और मिलते हैं कल। तो गुड नाइट, जय हिंद।